ग्लोबल वार्मिंग के चलते विश्व पर्यावरण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा पर्यावरण बचाओ अभियान को सहयोग करने के लिए आज दतिया में रोटरी क्लब और रेड क्रॉस तंबाकू नियंत्रण संस्थाओं द्वारा श्री हनुमान गढ़ी मंदिर पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कलेक्टर बीएस जामोद और एसडीएम मनोज प्रजापति, संस्था प्रमुख पंकज जड़िया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अनमोल है, जो हमें शुद्ध वायु के साथ छाया प्रदान करते हैं एवं फल देते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्ष अति आवश्यक है। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पर्यावरण बचाना आज के समय की महती आवश्यकता है। अगर पर्यावरण पर हमने ध्यान नहीं दिया तो भावी मानव जीवन और प्राणी मात्र का जीवन संकट में है। रोटरी क्लब द्वारा आज पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ही वृक्षारोपण किया गया है। इसी तरह से मैं दतिया के समस्त निवासियों को आग्रह करूंगा कि वे कृपया पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें और अपने जीवन पर भावी संकट को बचाएं। वृक्षारोपण के लिए संदेश क्या देना चाहिए जनता? देखिए, वृक्षारोपण करने से ही पर्यावरण का संरक्षण होगा। और जैसा अब आज हम सब देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। दतिया का ही लगभग 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। अगर हमने पर्यावरण संरक्षण नहीं किया, प्लांटेशन नहीं किया, तो ये टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। और जैसा मैंने बताया है कि ऐसी स्थिति में फिर हमें हमारे जीवन पर संकट है, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। और ये समय है, बिल्कुल सही समय है, बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है। अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, और न सिर्फ वृक्षारोपण करें बल्कि जितने भी पौधे लगाएं उनको जीवित भी रखें, पौधों को बड़ा करें, वृक्षारोप धारण करें।